तो मैं आया हूँ श्रीभूमि में। जो पिछला बना था वो था बैटिकन सिटी, और जो इस बार बना डिजनी लैंड, जो सोचे थे कि उससे भी खतरनाक है, इतना अच्छा बनाया गया कि करने का नहीं गाइस। तो अंदर गए थे और बाहर निकाल लेते, पर रात के मुकाबले गाइस दिन में थोड़ा भीड़ कमी है। और ऐसे तो गाइस आप लोगों को पता होगा कि श्रीभूमि मतलब हमेशा कुछ ना कुछ अलग ही बनाता है, तो लाइटिंग शो है वो देखना है तो आपको रात को आना पड़ेगा। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो गाइस मैं हूं सैम और आप देख रहे हैं सैम व्लॉग डिश में। तो कैसे हैं आप लोग, मुझे पता है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस मैं भी अच्छा हूं। तो आप लोग पीछे का मेरा सीन देखकर समझ सकते हैं कि आप लोग कि ये मैं अभी कहां पे आया हूं। मैं आया हूं श्रीभूमि में, और श्रीभूमि में इस बार दुर्गा पूजा की थीम है डिजनी लैंड, तो मैं उसी को देखने के लिए आया हूं। पिछला बना था वो था वेटिकन सिटी, और इस बार बना डिजनी लैंड, तो उसी को देखेंगे और आप लोग दिखाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो सामने बेल आइकन ऑन करना, और अगर वीडियो फेसबुक पर फेसबुक फॉलो करके इंस्टाग्राम फॉलो कर देना। चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली गाइस अभी मैं जा रहा हूँ अंदर की तरफ, ठीक है। और श्रीमूवी में आप लोग को पता ही होगा कि श्रीमूवी जो स्पोर्टिंग क्लब है, मतलब हमेशा हर साल मतलब नया नया कुछ करता है। तो जैसे कि 2022 जो था उसमें 2022 नहीं 2021 जो था उसमें कुछ खेल पर बनाया था, और 2022 में क्या होता है वेटिकन सिटी, और इस बार बनाया डिजनी लैंड। और हाँ, रहा बात जो मेरा ब्लॉग है वो काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा है आने में, क्योंकि आप लोग समझ रहे कि मैं मतलब काम करके अपने के लिए ब्लॉग लाता हूँ, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा है, तो मैं आया हूँ अभी, तो आप लोग दिखाएंगे डिजनी लैंड वो कैसे बना नहीं बना। तो मैं सामने आगे पहुँच गया हूँ, तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। ओ भाई आप तो क्या बताया गाइस, मैं जैसे सोचे थे कि इससे भी खतरनाक है, और इतना अच्छा बनाया गया कि करने का नहीं गाइस, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे भी आया हूँ और अंदर जा रहा हूँ, अंदर तरफ जो दुर्गा की मूर्ति है उसके दर्शन करेंगे और आप लोग दिखाएंगे कि मूर्ति कैसे नहीं है। इतना अच्छा बनाया कि क्या बताया, बहुत अच्छा बनाया है। तो सामने चलते हैं, दुर्गा माँ दर्शन करते हैं। नमो विष्णु, नमो विष्णु। बाहर निकल चुके हैं और इतना अच्छा पंडाल बनाता है ये लोग, पर गाइस दिखने का मतलब मौका नहीं देता है, मैंने बुजली निकाल देता है, ठीक है। अंदर गए थे और बाहर निकाल देते, बाहर आ गए। मैंने रात के मुकाबले गाइस दिन में थोड़ा भीड़ कमी है, जैसे मुझे लाइन लगाना नहीं पड़ा था, तो डायरेक्ट आके देखे माता का दर्शन किए। श्रीभूमि जो थीम था डिजनी लैंड, उसे दिखाने की कोशिश किए हैं। इससे तो गाइस आप लोगों को पता होगा कि श्रीभूमि मतलब हमेशा कुछ ना कुछ अलग ही पंडाल बनाता है, इस बार भी मतलब डिजनी लैंड बनाया था और काफ़ी अच्छा लगा। और रहा बात ये तो मैं आप लोग दिन में दिखाया, और अगर आपको नाइट का सीन दिन मतलब नाइट का जो लाइटिंग शो है वो देखना है तो आपको रात को आना पड़ेगा। और रात में मतलब काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रही है, इसलिए मैं दिन में आया हूँ ताकि आप लोग अच्छे से दिखा सकूँ जो पंडाल है वो कैसे नहीं है। तो अभी मैं श्रीभूमि से निकल के जो उसका एग्जिट गेट था वहाँ तक पहुँच गए हैं, फिर वो एग्जिट गेट यहाँ से एग्जिट किए हैं। तो वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, प्रेस कमेंट करना, और हाँ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल बेल आइकन फॉलो करना, और अगर वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं फेसबुक फॉलो करके इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। चलिए आप लोग आप लोगों के साथ मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखना।